रायबरेली जेल की बैरक नंबर 10 में संगीन जुर्म के आरोपियों की ये तस्वीरें आपने देख ली। आपने देख लिया कि कैसे ये जेल के भीतर हथियारों से खेलते हैं। आपने देख लिया कि कैसे ये शराब सिगरेट से पार्टी करते हैं। दारू की बोतल जो लेना व्हाइट वाली मंगाए ले रहे हैं दारू। आपने देख लिया कि कैसे ये पुलिस वालों को खरीदते हैं। 10,000 रुपए कल जो है जेलर को जाके सुबह दे देना आवाज से, ठीक है। उसके बाद में 5,000 रुपए जब सारा सामान लेके आना तो अभी गेट पे जो है उसको डिप्टी को फोन कर लेना। फोन करने के बाद उसको 5,000 रुपए दे देना। अब आपको बताते हैं कि ये आरोपी हैं कौन। पार्टी का मुख्य आयोजक इस आदमी का नाम है अंशु दीक्षित। अंशु दीक्षित पेशेवर अपराधी है। हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेता विनोद त्रिपाठी की हत्या के मामले में इसका नाम सबसे ऊपर था। इसके अलावा वीडियो में अजीत चौबे, सिंगार सिंह, सोहराब और निखिल सोनकर नजर आ रहे हैं। इन सब पर सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, हरदोई, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में लूट और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। मतलब ये कि ये कोई ऐरे गैरे नहीं, खूंखार अपराधी है। रायबरेली जेल है, समझे ना, यहाँ खुलेआम हम लोग घूमते, जिस दिन बुलाएंगे इसी जेल फोन कर देंगे। सही है। अब ये जानिए कि ये अपराधी जिस रामचंद्र तिवारी की बात कर रहे हैं वो कौन है। तो जान लीजिए, वो इस जेल के डिप्टी जेलर हैं। ये जिस जेलर को पैसे देने की बात कर रहे हैं उनका नाम गोविंद वर्मा है। और बाकी लोगों से जो ये सामान मंगवाने की बात कर रहे हैं उनमें जेल का मुख्य वार्डन लालता प्रसाद, जेल का वार्डन शिव मंगल सिंह शामिल है। 10,000 रुपए कल जो है जेलर को जाके सुबह दे देना आवाज से, ठीक है। उसके बाद में 5,000 रुपए जब सारा सामान लेके आना तो अभी गेट पे जो है उसको डिप्टी को फोन कर लेना। फोन करने के बाद उसको 5,000 रुपए दे देना। जेल का ये वीडियो सामने आया और वायरल हुआ तो पुलिस की नींद उड़ गई। आनन फानन में कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। डीएम ने छापा मारा तो मोबाइल फोन, तमंचे, शराब की बोतलें, सिगरेट, माचिस सब बरामद हुआ। डीआईजी जेल उमेश कुमार खुद जांच के लिए पहुंचे। बरेली जेल से संबंधित कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें तरह तरह के आरोप जेल के अधिकारियों और जेल के प्रशासन पर लगाए गए हैं। उसी की जांच के सिलसिले में आज मैं आया था। जांच में आरोप सच साबित हुए और फिर शुरू हुआ कार्रवाई का दौर। कार्रवाई के नाम पर एसएसपी, जेलर और डिप्टी जेलर समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये निकल के इस मामले में अभी तक पूरी जांच जो की गई उसमें ये निकल के आ रहा है कि किसी भी तरीके से जेल के अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें पहुंची जो कि नहीं पहुंचनी चाहिए थी। इसकी जानकारी भी जेल के लोगों को हुई। इस पे पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ तलाशी कराई गई। तलाशी कराने में 4 मोबाइल फोन भी मिले थे जिनके खिलाफ FIR भी पंजीकृत कराई गई। पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है और इन आरोपियों को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। मगर जिस तरह से जेल की ये तस्वीरें सामने आई हैं उससे साबित होता है कि बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी जैसे अपराधी की हत्या हो जाने के बाद भी यूपी पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। अब कार्रवाई भले ही हो गई हो मगर इस वीडियो ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी हो अगर अपराधियों का रसूख है तो यूपी में जेल भी जन्नत हो जाया करती है।